Hello everyone, this is class 2nd of our polymer chemistry series. I already uploaded class 1st. If you haven't watched that, please make sure to watch it. Because random कोई टॉपिक पढ़ने से समझ में तो आ जाएगा क्योंकि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट. लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे ना चीज़ों को तो वो आपको बेटर इम्पैक्ट देगी एग्जाम में. आपको कोई भी टर्म्स ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मैं आप बोलूँ कि पी क्या है, मैं बोलूँ एन क्या है, तो आपको मे बी यहाँ पर समझ में ना आए वो चीज़ें. लेकिन अगर पहला वाला पार्ट आप देख के आए हो ना तो आपको पता होगा कि एन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, पी फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर रिएक्टेड है. तो ऐसे सीरीज में आपके लिए बना रही हूँ ना सारे टॉपिक्स कवर करके, तो आप ही वो देखना देखें. ओके, तो देखो आज का जो टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स. और ये हैं, फर्स्ट है नंबर एवरेज मोलर मास, सेकेंड है वेट एवरेज मोलर मास, थर्ड है जड एवरेज मोलर मास, और फोर्थ है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस नेट में इसी पार्ट से आते हैं मोस्टली. तो ये पूरा वीडियो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कोई और टॉपिक आज नहीं उठाएंगे. और स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम्स में, वो ये आता है कि हम इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम नंबर एवरेज मोलर मास निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम ऑस्मोमेट्री. स्पेलिंग आई थिंक सही है, बाकी आप करेक्ट करेंगे, बट ऑस्मोमेट्री प्रोसेस का ही हम यूज़ करते हैं. वेट एवरेज मोलर मास के लिए हम फाइंड कर यूज़ करते हैं लाइट स्कैटरिंग प्रोसेस. लाइट स्कैटरिंग. जड एवरेज मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन यूज़ करते हैं, सेडिमेंट्री मेथड. ठीक है, और विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास के लिए हम यूज़ करते हैं विस्कोमीटर. ये क्या होता है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, हमको बेसिकली इतना नहीं पढ़ना, एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आता. जो एग्ज़ाम्स में आता हम वही पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे हैं. राइट, अभी क्या 26 अप्रैल है, तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इसमें हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना जो एग्ज़ाम में आएगा. तो इनकी टेक्निक्स जो इंपॉर्टेंट होगा ना बताना, मैं बताऊंगी. बट ये नहीं कि मैं आपको सेलिमेंट्री के पूरा वीडियो सेलिमेंट्री बना के दे रही हूँ, क्योंकि ये तो टॉपिक मास्टर्स बीएससी मतलब ग्रेजुएशन तक में नहीं पूछते. तो नेट में तो क्यों ही पूछेंगे, क्यों इसका प्रिंसिपल पूछेंगे. ठीक है, तो जितना पूछेंगे उतना बताएंगे. तो नेट में क्वेश्चन कैसे आता है ना, आपको ये दे देंगे ए और इधर लिख देंगे ये सारी मैच द करो कि नंबर वाला नंबर एवरेज मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं. ऐसे ए बी सी जैसे आते हैं ना मैच द कॉलम्स वाले, उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर एवरेज मोलर मास को हम फाइंड आउट करते हैं ऑस्मोमेट्री से, वेट एवरेज मोलर मास को करते हैं लाइट स्कैटरिंग मेथड से, एवरेज मोलर मास को करते हैं सेडिमेंट्री से, और विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास करते हैं विस्कोमीटर से. अब ना कई बार कहते कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे मेरे को तो जड एवरेज में सेडिमेंट्री आएगा या फिर लाइट स्कैटरिंग आएगा, मैं तो कन्फ्यूज हो जाती थी. अब बट मैंने एक ट्रिक निकाली है जो मेरे काम आई, याद हुई है मुझे बिल्कुल, तो आपके भी आई जाएगी. विस्कोसिटी की कोई दिक्कत नहीं है, विस्कोमीटर इजीली याद हो जाएगा. देखो वेट, हम किसी पूछते हैं भैया तेरा वेट क्या है, तो लड़की बोलती है मेरा वेट तो बहुत लाइट है, आई एम वेरी लाइट. तो लाइट स्कैटरिंग मेथड, वेट एवरेज मोलर मास के लिए लाइट स्कैटरिंग मेथड. तो आप जस्ट याद कराने के लिए निमोनिक्स बता रही हूँ आपको, तो आप उसको बोल दो सड़ी सी चुप हो जा वरना जड़ दूंगा. जड़ दूंगा मतलब हरियाणा साइड में जड़ दूंगा मतलब स्लैब से होता है. ठीक है, तो सड़ी से चुप हो जा वरना जड़ दूंगा, तो मतलब जड़ एवरेज मोलर मास के लिए हम सेडिमेंट्री यूज़ करते हैं. ये सिर्फ निमोनिक्स बनाए हैं मैंने, मुझे याद हो गए हैं, तो आपको भी हो ही जाएंगे. अगर आपको कुछ बेटर है तो आप अपना यूज़ कर लेना. ठीक है, विस्कोसिटी के लिए विस्कोमीटर है और नंबर एवरेज के लिए ऑस्मोमीटरी याद रह जाएगा इतना. ठीक है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं इनके डिनोशन कैसे, मतलब डिनोटेशन क्या है. ठीक है, तो नंबर एवरेज मोलर मास को हम डिनोट करते हैं एम और नीचे लगा देंगे एन ऊपर बार. वेट एवरेज के लिए एम, नीचे लगा देंगे डब्ल्यू ऊपर बार. जड एवरेज के लिए एम, मोलर मास के लिए हम ऐसे लगा रहे हैं और बार, और विस्कोसिटी के लिए ऐसे. तो ये है इनकी नोटेशन, ऐसे नोट करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला की. तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू प्लस, मतलब ऐसे चलता रहेगा एंड नीचे होगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री ऐसे. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ एम आई एन आई और समेशन ऑफ एन आई. ठीक है,
I1 से लेके यहाँ तक आप देख लेना। ये होता है आपका नंबर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला। वेट एवरेज मोलर मास की बात करूँ तो वेट एवरेज मोलर मास का होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर और ऐसे सो ऑन। और यहाँ पे m1 n1 प्लस m2 n2, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे ले सकते हो समेशन लगा के mi ni का स्क्वायर अपॉन में समेशन mi ni, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका वेट एवरेज मोलर मास का। जड़ एवरेज मोलर मास का क्या होता है, m1 n1 क्यूब प्लस m2 n2 क्यूब सो ऑन, m1 n1 स्क्वायर प्लस m2 n2 स्क्वायर। और इसको हम समेशन में से लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi ni क्यूब अपॉन में समेशन ऑफ mi ni स्क्वायर। i जो होगा वो आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और आपका जो ये वाला है विस्कोसिटी वाला, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ni mi और यहाँ पे होता है 1 प्लस अल्फा, ठीक है, अपॉन में समेशन ऑफ ni रेज टू पावर 1 बाय अल्फा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका विस्कोसिटी वाले का, ठीक है। अभी मैं आई थिंक mi लगाना भूल गई, तो ये आप mi यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है आपका विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास का। उसके बाद अब इतना मैंने इसको, आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं 1 बाय 1 जो मुझे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताया था कि इसमें जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने पढ़ने, लेकिन कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम ऑस्मोमेट्री को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, विस्कोमेट्री में से कुछ टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो मैं पढ़ाऊंगी अब। लेकिन आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या हम मेथड यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये है और आई थिंक या ठीक है, अब इसको रख कर देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोमेट्री, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोमेट्री। ऑस्मोमेट्री हम किसको फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे थे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑस्मोमेट्री हम किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, कौन सा मोलर मास फाइंड आउट करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अभी बताया। देखो, ऑस्मोसिस प्रोसेस सबने ही सुना होगा, द मूवमेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट इज फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। एंड अगर आपको पता हो, आप घर में आ रहे हो तो सबके ही होगा, राइट। आर ओ में कौन सी प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस होती है, नहीं, आर ओ में होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब कि उसका उल्टा, ठीक है। तो अब होता है एक टर्म आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, सुनो, द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, राइट, PV इज इक्वल टू NRT होता है। P को मैंने इधर रखा, वॉल्यूम को मैं इधर ले गई RT, n/v को मैं कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको लिखा P इज इक्वल टू C-RT। C- जो है मेरी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, और इसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर यूनिवर्स। तो कंसंट्रेशन की यहाँ पे यूनिट है मोल लीटर इनवर्स। अब क्या मैं C- को ऐसे लिख सकती हूँ, C अपॉन में M।
तो बिल्कुल लिख सकती हूँ, जहाँ पे मेरी सी है ना, इसकी यूनिट है ग्राम लीटर यूनिवर्स, मतलब मेरी कंसंट्रेशन जो मिली है वो ग्राम, मतलब अमाउंट कुछ वेट लिया है, कि जैसे 50 ग्राम सोडियम ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मेरी जो कंसंट्रेशन की है जो यूनिट वो है ग्राम लीटर यूनिवर्स, और एम जो मेरा मास है, मास पर मोल, ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल, जैसे 5 ग्राम पर मोल ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा आपका लीटर से लीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स, तो मतलब कि हम सी डैश को सी बाय एम की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू राइट नाउ, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी इज इक्वल टू सी अपॉन में एम आर टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पी को ना पाई से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हम जनरली जब हम प्रेशर लिखते हैं तो उसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है उसको जनरली हम पाई से डिनोट करते हैं। आपने बुक्स में देखा होगा, एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस में पाई लिखा होता है, तो वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कई बार पाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये होता है ओस्मोटिक प्रेशर। अब हमारे हम यहाँ तक आ गए थे, तो इस पी को हम पाई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पाई से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा सी था ये, इसको मैं नीचे ले आया, ओके, और यहाँ पे मेरा बच गया आर टी अपोन में एम, जो ये वाली आपकी टर्म है ना पाई अपोन सी, ये है आपका रिवर्स ऑस्मोटिक प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज योर रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये आपका रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है। जनरली में ऐसा नहीं होता है, बेसिकली यहाँ पे और भी टर्म्स होते हैं बट हम उनको इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा 1 + b कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सी आपकी कंसंट्रेशन है, ओके, तो ऐसे होता है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी बेसिकली कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, और ये मैं ये कहाँ से आया, सी डैश से मैंने ये कैसे लिख दिया, मैंने आपको पूरा समझाया, और जनरली ऐसा नहीं होता, आगे भी टर्म्स होती हैं बट उनका जो इम्पोर्टेंस है, मतलब इतनी नहीं रहती, इग्नोर कर देते हैं उसको, क्योंकि क्योंकि इतना कंसिडरेबल वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हैं। लेकिन अगर हम इग्नोर ना करें तो, अगर हम इग्नोर ना करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन सी वुड बी इक्वल टू आर टी अपॉन एम प्लस बी सी आर टी अपॉन में एम स्क्वायर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ को क्यों पढ़ाया, क्योंकि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अगर हम पाई अपॉन सी में और मतलब कंसंट्रेशन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, जैसे कई बार आपसे, तो वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर हम मतलब वो ग्राफ बेसिकली ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया, तो वो ग्राफ ड्रॉ करना सीख लेते हैं। देखो, तो बेसिकली हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, किस किस के बीच में ड्रॉ करना है, पाई अपॉन सी में, मतलब कि ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर में एंड आपकी कंसंट्रेशन में, इसमें हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन के लिए हम लाइन यूज करते थे ना मैथ में, आपने पढ़ा पहले हम पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे वाई होता था आपका वाई एक्सिस, एक्स जो है वो आपका एक्स एक्सिस है, सी इज इंटरसेप्ट, एम इज स्लोप, तो इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो और मुझे पता y क्या है, पाई बाई सी लिख दिया मैंने, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, c x क्या है, c लिख दिया मैंने, अब इंटरसेप्ट क्या है, ये क्या है आपका, तो ये है आपका आर टी अपॉन में m, ठीक है, और स्लोप क्या है, स्लोप है बी आर टी अपॉन एम स्क्वायर, स्लोप क्या है आपका यहाँ पे, बी आर टी अपॉन एम स्क्वायर, ओके। सो ये आपको याद रखना, पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में आपको बोल देते हैं कि वी हैव ड्रॉन द ग्राफ बिटवीन रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इन ग्राम लीटर इनवर्स, तो जो उसका स्लोप है ना वो आपको कुछ भी वैल्यू दे दी, लाइक 20 × 10^2, ऐसे कुछ भी आपको स्लोप की वैल्यू दे दी, और आपसे पूछ लिया कि टेम्परेचर फाइंड आउट करो या फिर द वैल्यू ऑफ एम फाइंड आउट करो, कुछ भी पूछ लेंगे ना आपसे, तो यहाँ पे मतलब कि वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, अगर आपको स्लोप गिवन है तो आप इसको सिंपली उसके इक्वल इक्वेट करोगे, एम इज द मास,
ग्राम पर मोल है एम, यूनिट का बेसिकली ध्यान रखना है ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे आर आपका गैस कांस्टेंट है, एम भी आपका कांस्टेंट है, वैल्यू गिवन होगी या तो मतलब कुछ भी देख के आपको ऐसे पूछ लेंगे, तो इसलिए आपको ये जो एक ग्राफ है बेसिकली आना इम्पोर्टेंट था ठीक है। ओके अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया है ना बिल्कुल, अगर नहीं आया तो पॉज करके देखना, रिवर्स बार बार रिवर्स करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब थोड़ी बात करेंगे विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी की बात करेंगे। देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि पानी की मतलब वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा है या फिर हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा विस्कस है? तो भाई 9th-10th के बच्चे बता देंगे दैट हनी इज मोर विस्कस, हनी इज मोर विस्कस। और अब मैं पूछूँ कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो अब कोई बच्चा बता देगा कि भाई स्पीड वाटर की ज़्यादा है ठीक है। मतलब समझ रहे हो क्या ना क्या चाह रहे हो कि जो विस्कोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के फ्लो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी। अगर वाटर की विस्कोसिटी कम है तो उसका फ्लो तेज है, अगर हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसका फ्लो जो है वो कम है ठीक है। तो विस्कोसिटी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ लिक्विड ठीक है। तो ये बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ लिक्विड ठीक है। हाईली विस्कस जो होंगे वो स्लोली मूव करेंगे, ये बेसिकली एक तो ये चीज़ बता रही थी। पॉइंट्स वाइज पढ़ लेते हैं समझ में आ जाएगा। दूसरी एक फॉर्मूला होता है ईटा, विस्कोसिटी को हम ईटा से नोट करते हैं ठीक है। ईटा इज इक्वल टू ईटा नोट ठीक है, वन प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ईटा और यहाँ पे कंसेंट्रेशन, और बाकी की टर्म्स होती हैं आगे लेकिन हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ इतना ही कंसीडर करेंगे ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, समझते चाहिए क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। जो ईटा है ये क्या है आपकी, ये है विस्कोसिटी ऑफ, ये है आपकी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपकी सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है। जो ईटा नोट है ये है जो आपकी, ये है आपकी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट है। और जो ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी विस्कोसिटी है, दिस इज योर इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, यहाँ पे क्या है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ठीक है, ये आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है। ओके सी इज द कंसेंट्रेशन। ओके अब एक बात देखो यहाँ पे, ये सारी ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ रहे हैं, अब थोड़ा हम इसको फॉर्मूले को थोड़ा फिराएंगे मतलब इधर उधर करेंगे, तो वो देखना यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम इसको इधर डिवाइड में ले गए, मतलब इस फॉर्मूले में हम थोड़ी एडजस्टमेंट्स करेंगे ठीक है। तो देखो n इज इक्वल टू n नोट, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे है वन प्लस इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इंटू सी। अब हम क्या करेंगे, वन को इधर ले आएंगे, आप करना मैं यहीं पर कर देती हूँ, वन को मैं इधर ले आई, फिर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस, इधर प्लस कर देगा माइनस का हो जाएगा ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कंसंट्रेशन को भी नीचे ले आऊँगी, तो कैसा हो जाएगा ये, दिस विल बी ऐसे इसको लिख देती हूँ मैं अपोन में कंसंट्रेशन इधर ले आई मैं, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम लिमिट लगाते हैं दैट इफ माई कंसंट्रेशन विल टेंड टू जीरो, अगर मेरी कंसंट्रेशन जीरो की तरफ टेंड करेगी तो क्या चेंजेस आएंगे एक इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन पता क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपकी आपकी जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है वो आ जाएगी आपकी इक्वल कि विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास की पावर अल्फा ठीक है, ये आ जाएगी आपकी, ये इक्वेशन इसमें बन जाएगी जब मैंने ये कंडीशन यहाँ लगाई कि मेरी कंसंट्रेशन इज टेंडिंग टू जीरो। डेरिवेशन क्या होगा इस इक्वेशन का हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, व्हाट विल बी द डेरिवेशन, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे डेरिवेशन है, अगर हम हर चीज़ पढ़ेंगे वैसे तो हमारा सिलेबस एक पॉलीमर चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा ठीक है। तो जब मैं आपको यूपीएससी केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पॉलीमर पढ़ाऊंगी ना, तो बिलीव मी मेरे जो नोट्स हैं मतलब सारे की डायस जो इंस्टीट्यूट है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं,
यूपीएससी केमिस्ट्री ऑप्शनल पिछले सालों के सारे, और जो स्टेट आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके जो केमिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर है वो सारे मिला के, तो इतने सारे टॉपिक्स है ना कि पॉलीमर ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसमें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना चाहती हूँ कि अगर मैं नेट के लिए पढ़ा रही हूँ ना तो सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ाऊँ जो कि एग्जाम्स में बेसिकली पूछ रहे हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशन जो पॉलीमर्स का था मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सिंथेटिक एडिशन पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टिक, ये मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है अगर आप दे रहे हो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स, अगर आप दे रहे हो केमिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है, लेकिन नेट में वो आता ही नहीं है तो फिर मैं क्यों आपको पढ़ाऊँ? क्यों मैं आपको जहाँ पे चार लेक्चर से ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हो जाएगा उसके लिए मैं आपको 10 लेक्चर्स पढ़ाऊँ? समझ रहे हो, हर एग्जाम में एक पैटर्न होता है तो उस पैटर्न को फॉलो करो, सब कुछ मत पढ़ो। ये जो डेरिवेशन है ना ये आएगा आपसे, ड्राइव करना पूछ सकते हैं। कहाँ पूछेंगे? जो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं जैसे कि यूपीएससी केमिस्ट्री ऑप्शनल हो गया, आपके थ्योरी एग्जाम्स जितने भी होते हैं उसमें हो गया, नहीं पूछेंगे आपसे नेट में ये इसका डेरिवेशन, ठीक है। और डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बीच में से क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएंगे क्वेश्चन। अगर आएंगे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से आ जाएंगे कि आपको इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी दे देंगे, इसकी दे देंगे, इसकी फाइंड आउट करवा लेंगे। तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। डोंट डाउट ऑन योर टीचर, डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ। अपना सिलेबस निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो और चीज़ें करो, ठीक है। तो ये भी बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और जो ये चीज़ है ना इसको हम बोलते हैं कुछ, तो क्या बोलते हैं वो लिखो। जैसे कि आपकी अरहेनियस इक्वेशन होती है, आप बताते हो ना कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें रिलेट कर रहे हैं टेम्परेचर से, तो उसके लिए अरहेनियस इक्वेशन होती है। तो बेसिकली उस इक्वेशन का एक नाम है ना अरहेनियस इक्वेशन, तो ये भी एक इक्वेशन ही तो है जहाँ पे इज इक्वल टू का साइन बेच मार, वो एक इक्वेशन ही होती है। तो उस इक्वेशन का क्या नाम है? तो इस इक्वेशन का नाम है, मैं मार्क, मैं बेसिकली स्पेलिंग देख लेती हूँ क्योंकि आई एम कन्फ्यूज, कहीं मैं गलत ना बता दूँ तो फिर आप कमेंट करोगे मैं गलत बता दिया स्पेलिंग। मार्क कुहू और ये होविंग होता है शायद, मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ और इसमें मैं चेक करती हूँ स्पेलिंग। तो यस, तो स्पेलिंग थी बेसिकली मार्क कुहू, एच ओ यू डब्ल्यू आई एन के। यस, दिस इज द पोली, दिस इज मार्क कुहू होविंग इक्वेशन। एंड बेसिकली वॉट इट डज, इट रिलेट्स इंट्रेंसिक विस्कोसिटी विद मोलर, विद विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास इक्वेशन। थर्ड चीज मैंने आपको बताई है कि अगर हम पॉलीमर ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ पॉलीमर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, ये एक बात मैंने आपको बताई है, एडिशन ऑफ पॉलीमर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी। फोर बात, द फोर्थ थिंग जो मुझे आपको बताना है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो वेरी करती है 0.5 से 1 के बीच में, ठीक है। 0.5 से 0.8 होता है मोस्टली, लेकिन आप अगर आपको वैल्यू नहीं गिवन है तो आप अल्फा की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, और आप यहाँ से मोर सेफ, मोर ब्रॉड रेंज करने के लिए आप 0.5 से 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर आपका अल्फा गिवन ना क्वेश्चन में तो उसको आप 1 ले सकते हैं। जो बहुत ही स्टफ, बहुत ही रिजिड जो आपके पॉलीमर्स होते हैं ना उनके केस में अल्फा की वैल्यू 2 होती है। मतलब मोस्टली तो ऐसा होगा कि आपको वैल्यू ऑफ अल्फा गिवन होगी ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं पॉलीमर्स पे तो, और अगर नहीं गिवन तो आप 1 लेके करेंगे, कोई भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ये चीज़ समझा दी मैंने आपको। फोर्थ पॉइंट है आपका कि जो आपके के और अल्फा है, के एंड अल्फा है आपके, वो एक कॉन्स्टेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, आर कॉन्स्टेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये दोनों वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के एंड अल्फा कॉन्स्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे। एंड हम कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल यूज कर रहे हैं? और मैक्रोमोलिक्यूल पे, ठीक है। तो के और अल्फा की वैल्यू, सपोज मेरे के की वैल्यू अगर पॉलीथीन के लिए सपोज फाइव है तो सपोज मैं यूज करूँ कोई दूसरा पॉलीमर, उसके लिए हो सकता है 6.5 हो, ठीक है। ग्लिप्टल मैंने यूज़ कर लिया, कुछ ऐसे यूज़ कर लिया, बूना एस या ब्यूटा एस जो भी होता है, कोई दूसरा मतलब पॉलीमर टू पॉलीमर इनकी वैल्यू वैरी करती है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है? मैक्रोमोलिक्यूल पर डिपेंड करती है। और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट आप लिख लो, जो अल्फा है ना, अल्फा आपका अल्फा है, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ पॉलीमर।
ये शेप और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। और जहाँ तक पॉसिबल हो जो मैं आपको नोटेशन करा रही हूँ ना अल्फा के, वही यूज़ करें, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं देख चुकी हूँ वहाँ पे यही नोटेशन यूज़ करें, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं वही नोटेशन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यही बता रहा, तो यही था हमारा सेकेंड क्लास में, बेसिकली यही पढ़ाना था, एवरेज मोलर मास को ही डिस्कस करना था, और जो कि आज हम कर चुके हैं। थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे चेन डायमेंशंस के बारे में और पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स के बारे में। उसके बाद हम एक करेंगे फोर्थ वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे मोनोमर्स अगर ये है तो पॉलीमर क्या बनेगा, और उसके बाद एक वीडियो आएगा, एक क्लास आएगी, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद से रिवाइज करोगे एक बार सारे टॉपिक्स को, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो में प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी और तब आप सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप कर लेंगे, टॉपिक के टच में हैं, बाद में सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद देखना असली मैजिक तो तब आएगा ना, असली मजा तब आएगा। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।